छोटा छोटा सा बच्चा अपना जिंदगी खराब हो गया। सरकार की योजना जो पोस्ट मशीन है वो फेल हुआ है। दो बच्चा है, अब इनका भविष्य क्या होगा हमको सरकार बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूं मसूर गली सिटी पटना सिटी में, और यहां पे देखने को मिला है कि यहां पे एक पीडीएस दुकानदार हैं जिनका हार्ट अटैक से मौत हो गया कल, और उनके परिजन का कहना है कि ये बहुत दबाव दिया जा रहा था यहां पे लोगों से जो ऊपरी अधिकारी थे, इस कारण से उनका ये मृत्यु हुआ है, और ये पूरे चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। सर आप कौन हुए? हम उनके साला हुए। अच्छा, ये पूरा घटना किस तरीके से, क्या टेंशन उनको किस बात का था? टेंशन इस बात का था सर कि उनको दुकान में सामान था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। अच्छा। बहुत सा स्लो चल रहा था। अच्छा। दस और पब्लिक एकदम टूटा हुआ था और नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था। आपको बता दें कि ये जो सरकार ने नया टेक्नोलॉजी लाया है POS मशीन जो PDS दुकानदारों को दिया जा रहा है, उसमें एक दिक्कत आती है कि नेटवर्क नहीं आती है। नेटवर्क नहीं आने के कारण लोग जो आते हैं लेने के लिए इन दुकान पे, जो भी जो मिलता है सामान, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो PDS डीलर जो होते हैं उनको काफ़ी दबाव झेलना पड़ता है कि क्यों नहीं हो रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ अधिकारियों का भी काफ़ी दबाव होता है कि ये माल खपत क्यों नहीं हो रहा है। सही है? सही है, सही है सर। अच्छा, और मतलब कि इसमें आप लोग को क्या सरकार से चाहिए? सरकार से मुआवजा इनको चाहिए, वो वादा किए हैं। बाइक ये पूरे घटना के क्या कैसे देख रहे हैं आप? आप देख सकते हैं कि ये काफी सदमे में है, बोल नहीं पा रही है, और अभी बस उनको कि हम लोग लिए था हाथ में तो बोले कि खत्म हो गए तुरंत एकदम। हम लोग कभी इसको फोन की इसकी जल्दी आप हमको, काफी परेशान थे, टेंशन में थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तो तब एकदम तोड़ दी था तुरंत में पूरा एकदम। हम लोग तो आके देखे तो कुछ नहीं है एकदम, मेरा छोटा छोटा सा बच्चा मेरा जिंदगी खराब हो गई, हम लोग का पूरा है, हमारे घर चढ़ गया। यहाँ पे एक सर हैं जो कि डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए, उनसे बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या सर मामला क्या हुआ। सर हमारे जो फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य जी पटना सिटी के सोनू कुमार जी का एकाएक मालूम हुआ, ऐसे ऐसे बात हुआ, उनके परिवार वाले भी बताए और हमारे यहाँ के तमाम लोगों ने बताया कि वितरण कर रहे थे, वितरण करने के दौरान चूंकि सर्वर खराब रहता है और सर्वर खराब रहना एवं अन्य कई तरह के परेशानी के कारण से ये बहुत डिप्रेशन में चले गए, अब परेशान थे, परेशान के ऊपर से उपभोक्ता भी आ रहा है, खड़ा है, वो अलग से गाली देता है, खाद्यान्न स्वाभाविक है खाद्यान्न नहीं मिलेगा, दिन भर खड़ा रहेगा तो गाली देगा ही। इन सभी कारण से काफ़ी डिप्रेशन चले गए और एकाएक उनको हार्ट अटैक हो गया, जिससे सोनू कुमार जी का निधन हो गया है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से भी मांग किए हैं, विभागीय सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग से भी मांग कर रहे हैं कि सर्वर की समस्या ठीक किया जाए, लेकिन सर्वर की समस्या दिनों दिन खराब होते जा रहा है। इन सर्वर की समस्याओं को खराब होने या उसको ठीक कराने का कोई भी विकल्प सरकार स्तर से नहीं किया जा रहा। अब बताइए एक बात, पहले जब सर्वर खराब था तो एक पर्ची निकलता था, मतलब कि कोई एक लाभुक आया, एक बार निकाला तो दोनों योजनाओं का खाद्यान्न मिल जाता था। अब नहीं, अलग अलग, मतलब कि दो बार पर्ची निकालना पड़ेगा, माने अगर 1000 लाभुक है तो आप समझिए 2000 बार हमको टिपना पड़ेगा, मतलब अंगूठा मतलब लगाना पड़ेगा, एक पर्चा अपने पास रखना, एक आगे वो नहीं, अब दो बार अंगूठा लगा करके दो योजनाओं का खाद्यान्न मिलेगा, कि प्रधानमंत्री का NFS से अलग का और PMGY का अलग, माने दो बार, पहले एक बार में हम काफी परेशान थे, अब तो डबल दे दिए, डबल पर्ची निकालने के लिए दे दी गया। अब बताइए इसका कोई व्यवस्था तो पहले होना चाहिए, अगर आप POS मशीन लाए हैं इसका कैसे ठीक होगा, कैसे चलेगा, सर्वर काम करेगा नहीं करेगा। पूरे बिहार राज्य के तमाम जन वितरण दुकानदार डिप्रेशन में चले गए हैं, काफी परेशान हैं, माथा पीट रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार कोई सुन रही है, अंतोगत्वा हम लोग आज देखिए, आज एक हार्ट अटैक हो, न जाने कितने हार्ट अटैक जन वितरण दुकानदार का होगा।
हम लगातार मांग कर रहे हैं, अगर नहीं बात हम लोग का मांग पूरा हुआ, सर्वर का समस्या ठीक नहीं हुआ तो निकट भविष्य में और आवंटन में, अब बता देते हैं आपको, सर्वर का समस्या तो अलग है, अब आवंटन में कटौती कर ली जाती है, आवंटन कुछ एक बैग निकाल देते हैं विभागीय स्तर से, आवंटन में कटौती कर ली जाती है। अब आवंटन जो लगातार उपभोक्ता ले जा रहा है, उसको डीलर को आवंटन मान ले 100 क्विंटल है और उसको काट करके 50 क्विंटल कर दीजिए, उपभोक्ता को पता ही नहीं कि हमारे डीलर को कितना मिल रहा है आवंटन, जिस कारण से वो तो बौखलाहट उनके अंदर रहेगा कि हमें इतना चाहिए। हाँ, आवंटन में कटौती अलग की जा रही है, सर्वर की समस्या अलग हो रहा है, समस्या समाधान नहीं हो रहा है, डबल पर्ची मतलब डबल हम लोग का काम लिया जा रहा है और सर्वर 3 KB का से काम लिया जा रहा है, 3 KB पीएस जो है उससे काम लगा, अब सर्वर बढ़ाने के लिए 40 KB का मांग किया गया लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ था, 3 KB से स्पीडे कहाँ पकड़ेगा ये बता देना पूरे बिहार के मंत्री महोदय। ये तो 5G लॉन्च होने वाली है, सरकार की 4G तो मिल ही नहीं रहा, 5G तो बहुत दूर का चीज है, ये जो बता रहे हैं ये GPRS एक पुराना टेक्नोलॉजी है, वो उसका स्पीड उससे ज्यादा होता है, 4G तो हम लोग को दे ही नहीं रहा है, तो 5G तो बहुत दूर का चीज है, 4G भी लागू नहीं करेगा। सर यहाँ पे इनका जो हार्ट अटैक हुआ है तो उस पे आप क्या देखते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं इनको? सरकार से हम मांग करते हैं कि पहले जो हमारे जन्मतन दुकानदार का जो आज पॉस मशीन के चलते निधन हुआ है, पॉस मशीन यानी विभागीय लापरवाही के कारण से इनका निधन हुआ है, इसके जिम्मेवार आपूर्ति विभाग है, सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन्हें 50 लाख रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री योजना की ओर से, चूंकि यह सेंट्रल का चीज है, योजना की ओर से और मुख्यमंत्री से 4 लाख रुपया इनको दिया जाए राहत कोष से, ये मांग करते हैं। साथ ही साथ 1 महीना के अंतराल विभागीय कार्रवाई करते हुए 1 महीना के अंदर इनका लाइसेंस के तुरंत के तुरंत निर्गत किया जाए, अन्यथा निकट भविष्य में पटना में बहुत बड़ा प्रदर्शन, बिहार के 55,000 जनवितरण दुकानदारों का प्रदर्शन होगा और जरूरत पड़ेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर देंगे। मैं तो हड़ताल का घोषणा पहले भी कर चुका हूँ लेकिन अब पहली हत्या हो गई है, ये तो हत्या कहेंगे विभागीय लापरवाही के कारण से। अब बोलिए हैदराबाद कंपनी के द्वारा हो रहा है। सर एक चीज और यहाँ पे लोगों से सुनने को मिला है कि ऊपरी जो अधिकारी होते उनके द्वारा भी काफी दबाव दिया जाता है दुकानदारों को। पॉस मशीन अब देखिए आवंटन हुआ है, अब एक तो आवंटन कटौती की गई, सर्वर का समस्या कम है और उनको 10 तारीख तक खाद्यान्न वितरण करना है, 10 तारीख के बाद अब स्पीड पकड़ने रहा है तो विभाग के लापरवाही है, तो 10 तारीख से 15 तारीख, 15 तारीख से 20 तारीख समय विस्तार किया जाता है। समय विस्तार करने का मतलब है कि आपकी लापरवाही है, आपका फेलुअर है, सरकार की योजना जो पोस्ट मशीन है वो फेलुअर है। मैं मांग करता हूँ कि अगर सर्वर ठीक नहीं होता है तो मैनुअल से वितरण कराया जाए, डीलर और उपभोक्ता क्यों परेशान होगा, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे। तमाम जनवितरण दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? सर आपका परिचय? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी डीलर लोग हैं उनका काफी ये कहना है कि जो POS जो मशीन लाया गया सरकार के द्वारा उसका जो नेटवर्क का काफी इरर रहता है और सर्वर काफी पुअर रहता है, जिस कारण से लोग यहाँ जो दुकानदार हैं PDS के काफी परेशान रहते हैं, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और आज एक घटना यहाँ पे सामने में देखने को मिला है। आप लोग इनका भविष्य क्या होगा हमको सरकार बताए। पॉस मशीन के चलते इनका जान चला गया, हार्ट अटैक गया, डिप्रेशन में थे, सरकार से भी दबाव पड़ रहा था,
विभागीय पदाधिकारी से भी दबाव पड़ रहा था कि आपको जल्द से जल्द वितरण करे। अरे पहुंच चलेगा तब ना वितरण करेगा। अब जब पहुंचने में गड़बड़ी है, सरकार की योजना में गड़बड़ी है और डीलर का हार्ट अटैक हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार को इसके हर्जाना देना पड़ेगा और इनका जल्द से जल्द लाइसेंस पहले तुरंत के तुरंत इनके पत्नी के नाम से ट्रांसफर किया जाए, हम यही मांग करते हैं। ठीक है, ये जो घटना है वार्ड नंबर 69 का है और यहाँ का वार्ड काउंसिलर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना को किस तरीके से देख रहे हैं। हमारे यहाँ कई जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, एक दुकान सोनू कुमार जी के भी नाम पे था, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत अच्छा, इनके साथ लगभग जो भी हमारे यहाँ राशन लेने आते थे अच्छे से आवंटन भी करते थे, कोई शिकायत इनसे नहीं रहती थी। पर पता नहीं इधर क्या हुआ है, पॉस मशीन के कारण हमेशा परेशानी। अभी 3-4 दिन पहले हमको फ़ोन भी किए थे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने इनके बातों को सुनकर और भी दुकानदारों की बातों को सुनकर SDO से लेकर DM साहब तक सबको संज्ञान में मैंने दे दिया है। अब पता नहीं क्या इनके साथ उस समय प्रेशर बना होगा, पॉस मशीन काम नहीं करता होगा, जनता तो निश्चित तौर पर चिल्लाती है। सर, उनका बात आपसे हुआ तो उस बीच में उनका क्या मतलब रिएक्शन कैसा लग रहा था? अच्छे से नहीं, परेशान तो नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, जनता तो आके भैया हम लोग को गाली वाली देता है, हम लोग क्या करें और क्या ना करें आप बताइए। हम बोले आपके साथ जो प्रॉब्लम है आप हमको बताइए, हम संज्ञान में सबको डालते हैं। और चूंकि अभी हम निवर्तमान पार्षद भी हैं तो खुल के उस ढंग से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन संज्ञान में मैंने सभी को डाल दिया, SDO से लेकर DM साहब तक को भी डाल दिया। और निश्चित तौर पर हम लोग ये बात कहे थे कि सारे जितने भी हम लोग दुकानदार संघ आप लोग बना के हमारे साथ चलिए, हम लोग DM साहब से मिलेंगे और ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इतनी ही बातें मेरी हुई और अचानक कल मुझे ये पता चला कि इनकी हृदय गति रुकने से इनकी मौत हो गई। इतने कम उम्र में 33 बरस का लड़का हृदय गति से डेथ होना बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं इनके कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, कैसे इनका पालन पोषण होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। एज ए जनप्रतिनिधि इतना तो जरूर कहेंगे सरकार को कि इनके बच्चों को परवरिश, जब पिता का साया जब खो जाता है ना तो कोई किसी का कुछ नहीं कर पाता है। आज इनके पिता नहीं है, इनके पति नहीं है, सरकार को निश्चित तौर पर निर्वहन करना चाहिए कि बच्चों की पाल परवरिश जो भी होता है, पढ़ाई लिखाई इनका अच्छा से हो सके और उचित मुआवजा जो मिल सके। 50 लाख सर ने बताया, 50 लाख क्या, जो भी उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च अभी से लेके उनके युवावस्था तक जो हो सकता है सरकार को निश्चित तौर पर करना चाहिए। ये बात का हम मांग करते हैं सरकार से। और जो भी खामी है सरकार के इन पॉइंट्स के ऊपर, जैसे आप ऑनलाइन किए बहुत अच्छी बात है, जनता को राशन मिलना चाहिए, सही ढंग से मिलना चाहिए, अच्छी बात है, पहल अच्छी है, लेकिन आप सिस्टमेटिक जो चीज़ चलते हैं, जो सिस्टम होते हैं उनके बीच में, जैसे पॉस मशीन ना काम करना, सर्वर डाउन होना, इन सब चीज़ों को पहले आप ठीक कर लें ताकि आने वाले समय में और किसी दुकानदार के ऊपर इस ढंग का प्रेशर ना बन सके और उनके साथ कोई अनहोनी फिर ना हो। आपको बता दें कि ये जो नेटवर्क और POS मशीन का जो दिक्कत है वो सरकार तो लाकर रख दी है, लेकिन यहाँ पे जो जन प्रतिनिधि होते हैं, जो भी PDS जो डीलर होते हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं, सरकार इस चीज़ों को वो मानती नहीं। और जो भी आते हैं ये PDS दुकानदार के पास में, जो भी उपभोक्ता लेने के लिए आते हैं सामान, तो उनके ऊपर बरसते हैं, जिस कारण से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और यहाँ पे जो बात कर रहे थे, बहुत सारे यहाँ पे डीलर भी बैठे हुए थे, डीलर एसोसिएशन के काफ़ी सारे ऊपरी लोग भी थे, जिनसे एक ही चीज़ सुनने को मिल रहा है कि POS मशीन में ही गड़बड़ी है बस।